नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंशु गुहा चैमिनी। साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्या सीखेंगे? नाटक एकांकी कैसे लिखें? जी हाँ, आज हम बात करेंगे नाटकों के बारे में। साहित्य की यह भी एक बहुत ही प्रचलित विधा है, नाटक यानी थिएटर। तो मैं आज बताती हूँ आपको नाटक कैसे लिखे जाते हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नाटक का अर्थ सात्विक भावों का अभिनय, इसका अर्थ नट से निकला है, सात्विक भावों का अभिनय। इसके तत्व आप जरूर पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करती रहूंगी मैं। कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य, और उसके बाद आता है उद्देश्य के बाद है देश काल, रंग मंचीयता और द्वंद। आप नोट कर ले आराम से। नाटक में इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अंग एक डायरेक्टर होता है जो नाटक को डायरेक्शन देता है कि किसने क्या क्या काम करने हैं, कैसे किसने अभिनय करना है। दूसरा अभिनेता होते हैं, यानी जो मुख्य पात्र है, अभिनेता अभिनेत्रियां। और उसके बाद है प्रेक्षक यानी दर्शक, इनके बिना नाटक बेकार है, व्यर्थ है। संगीत, ध्वनि और प्रकाश और वेशभूषा, इन सब का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। नाटक को लिखने से पहले जो भी नाटक रचता है, लिखता है, उसे ये सब बातें लिखनी होंगी कि पात्र क्या होगा, कौन से पात्र होंगे, कितने होंगे, क्या नाम होंगे, उनकी वेशभूषा कैसी होगी, भाषा कैसी होगी, ये सब नाटककार लिखेगा। सबसे बड़ी बात, संवाद कैसे होंगे, पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। और नाटक का उद्देश्य क्या है? बहुत पहले नाटक जो लिखे जाते थे वह सामाजिक, जितनी बुराइयां हैं उन पर कटाक्ष करने के लिए लिखे जाते थे या उनको दिखाने के लिए लिखे जाते थे। ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक, ये सब रचे जाते थे। अंग मैंने आपको बता ही दिए हैं। लेखन, अब लेखन के देखिए चार आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लेखन जो है, लेखन में चार भाग होते हैं। लेखन के कथा वस्तु मतलब क्या होगा, कथानक क्या होगा, उसमें रस होगा किस तरह का, यानी वीर रस का नाटक है, श्रृंगार रस का है, विभत्स है, भयानक है, ये सब आपको, ये नाटककार को लिखना होगा। और उसे सबसे जरूरी नायक कौन से, ये मैंने आपको बता दिया, अभिनय। जी हाँ, अभिनय के बारे में हाव भाव लिखने होंगे, यानी क्रोध में है अगर नायक तो उसको ब्रैकेट में साथ में लिखना होगा कि क्रोधित होते हुए नायक, कितने मिनट तक उसने ये संवाद कहा, कैसे क्रोधित हुआ, क्या हाव भाव चेहरे पर लाया, ये सब बातें जो भी नाटक रचता उसे ध्यान में रखनी पड़ती है। देखिए, और जो भी नाटक लिखता है उसके लिए रंग मंच से उसका जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप लिख पाएंगे ना। और भाषा काव्यात्मक, नाटक में जो अट्रैक्शन, जो एक आकर्षण, जो दर्शकों को दीर्घा तक खींच कर लाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। एक तो उसमें हास्य बोध होना चाहिए, दूसरा है काव्यात्मक भाषा, लक्ष्यदार, नाटक से जुड़ी हुई नाटकीयता होनी चाहिए। और काव्यात्मक यानी उसमें गाकर गेयता होनी चाहिए। अगर आप गाकर सुनाएंगे नाटक को बीच बीच में पंक्तियों में, तो बहुत ही आकर्षक लगती है लोगों को, देखने में नाटक को देखने में बहुत रुचि मिलती है, उनकी रुचि उत्पन्न होती है। और सबसे बहुत जरूरी, जो लोग आजकल ध्यान नहीं रखते, कि भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगी कि भाषा अगर साहित्यिक हो या दुरू हो जाए तो इसकी क्या हानियां होती हैं, आगे चलकर बताती हूँ मैं अभी। और देखिए, अंत प्रभावशाली। जी हाँ, कई बार क्या होता है, नाटक का जो उद्देश्य है वह बहुत अच्छा होता है लेकिन अंत प्रभावशाली नहीं होता, ऐसे में दर्शक जो है निराश होकर लौटते हैं नाटक देखते हुए। तो अंत पर आपको बहुत जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक चीज और बता देती हूँ, एकांकी। एकांकी क्या होता है, जैसे नाटक है उसमें तो बहुत सारे पात्र होते हैं, समय अवधि ज्यादा होती है, आजकल एकांकी भी बहुत पसंद की जा रही है। यह एक भाव या एक घटना को लेकर रची जाती है, यानी नाटक का छोटा रूप। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, उपन्यास बहुत बड़े,
और उसका छोटा रूप कहानी, बिल्कुल वही। इसी तरह ही नाटक बहुत बड़ा और एकांकी छोटी, यही अंतर है। बाकी सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा, सब कुछ एकांकी में, लेकिन बस यही बता दिया मैंने आपको कि एक विचार, एक घटना, एक पात्र, एक जीवन खंड को लेकर जो लिखा जाता है वह एकांकी कहलाता है। इसमें भी वही सब कुछ है, मनोरंजन होना चाहिए, इसमें हाव भाव होने चाहिए, संप्रेषणीयता होनी चाहिए, रंगमंचीयता होनी चाहिए, हास्य बोध होना चाहिए, सबसे जरूरी हास्य बोध होना चाहिए और उत्सुकता। जी हाँ, नाटकों में उत्सुकता होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, क्योंकि दर्शक कैसे देखेंगे आगे, दर्शक ऐसा भी ना हो कि बोर होकर उठने लगे, नहीं, अंत तक रोचकता उनकी बनी रहे, ऐसा नाटक लिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, अंत में जाकर भेद खुलता है, ऐसा भी होता है। तो मैं अब आपको, मैंने बहुत कुछ बता दिया नाटक कैसे लिखें और एकांकी कैसे लिखी जाती है, अब मैं कुछ चंद लाइनें और आपको बता देती हूँ जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, अंग वगैरह क्या होते हैं नाटक के, उद्देश्य मैंने बता दिया कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, देश के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए, ताकि देशवासियों को गर्व महसूस हो, उसके लिए भी नाटक रचे जाते हैं, नई चेतना भरने के लिए रचे जाते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए रचे जाते, बताया मैंने। इसी तरह नाटकों के तीन प्रकार होते हैं, पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद ने सबसे बड़ी गलती करी थी जो मैंने आपको बताया, उन्होंने साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर दिया नाटकों में, तो इससे वे सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गए। जिन्होंने भी आगे उनके नाटकों का मंचन कम किया, क्योंकि भाषा बहुत कठिन थी, जो दर्शक थे उन्हें समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैंने कहा कि भाषा सरल रखेंगे आप। तो आजकल आपने देखा होगा जो युवा पीढ़ी है वो बहुत आकर्षित हो रही है नाटकों की तरफ, रंगमंच की तरफ, क्योंकि इससे उन्हें फिल्मों में जाने का अवसर मिलता है। देखिए, प्रमुख नाटककारों के मैं कुछ नाम बता देती हूँ आपको, विष्णु प्रभाकर जी, मनु भंडारी, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना, गिरीश कर्नाड, इन्हें कौन नहीं जानता, ये सब रंगमंच के ही कलाकार हैं जो उसके बाद फिल्मों में जुड़ गए। नरेश मेहता जी, मोहन राकेश, उनका आधे अधूरे बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, और विजय तेंदुलकर, इनका नाम लिए बिना ये अध्याय अधूरा है। इन्होंने घासीराम कोतवाल, बहुत अच्छा नाटक और बहुत बार देखा गया, तो ये इनका नाटक था। तो अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ध्वनि और प्रकाश का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, कि कहाँ से लाइट आएगी, कहाँ से आपकी आवाज आएगी, कितनी वो उसका सब लय ताल संगीत का ये सब देखा जाता है, वेशभूषा भी देखी जाती है, चेहरे के हाव भाव, ये सब कुछ लिखना होगा, नाटककार को लिखना होता है। ये हिंदी की बहुत अच्छी साहित्यिक विधा, प्रचलित विधा है। और मैंने आपको बता दिया कि अंत प्रभावशाली नहीं होगा तो नाटक सफल नहीं होगा। तो दोस्तों, नाटक लिखने से पहले आपको जो मैंने नाम बताए इनके रचित नाटक आप पढ़ें, आपको पता चलेगा। और आजकल नाटकों की बहुत ही मांग है, क्योंकि इन्हीं से आगे जो फिल्में बन रही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।